देखिए ये बाबा साहब का ये संविधान लेकर डिटेन होने जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिटेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं बस भर भर के जा रही है। जो संविधान को मानते हैं पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं, लेकिन इनकी मानसा क्या है? इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति क्यों उठाई? और जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने हटाई है ना, उन लोगों को फांसी के लिए मांग करेंगे जी। ये जितना असंवैधानिक काम किया उन लोगों ने, सम्राट अशोक इसी समय में पैदा हुआ था, शांति का संदेश भी दिया है और तलवार से राज भी किया। बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी पुरानी जगह पर हमें वही चाहिए, दूसरी और जगह नहीं चाहिए। जहाँ थे वही चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से मैं आपको ये जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर की आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ये जंतर मंतर की तस्वीर है। और यहाँ पे बाबा साहब की अम्बेडकर जी और शाहू जी और गांधी जी की जिस तरह से संसद भवन के सामने से प्रतिमा हटाई गई है, उसको लेकर यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। और आप, मैं एक पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जिस तरह से ये जहाँ पे दलित ओबीसी माइनॉरिटी परिसंघ, जो DOM दलित ओबीसी माइनॉरिटी परिसंघ है, और यहाँ पे ये किस तरह से विशाल प्रदर्शन रैली था यहाँ पे इनके द्वारा, और इनकी मांग थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं हैं जो हाथ में ये पोस्टर लेकर खड़ी हैं। मैं इनसे, देखिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिटेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस हो, और ये लोग हाथ में किस तरह से ये ध्वज लिए हुए हैं, जो बौद्ध धर्म का ये ध्वज है, उसको लेकर ये लोग डिटेन। ये देखिए एक बौद्ध भिक्षु जो है और भिक्षुनी है, उनको भी ये लोग डिटेन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये, और वहाँ पे वो नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरा साना साई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से पुलिस बल की भी संख्या कितनी है। ये प्रोटेस्ट भी ज्यादा पुलिस बल की भी संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, कि यहाँ पे जो पुलिस बल है उनकी संख्या मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, कि देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे दिल्ली पुलिस है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा, उनकी भी संख्या यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है, कि किस तरह से यहाँ पे और जो प्रोटेस्ट से भी ज्यादा यहाँ पे दिल्ली पुलिस है। और आगे आप देख सकते हैं कि पुलिसों की संख्या कितनी है यहाँ पे। ये मोहतरमा से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जो युवा शक्ति है, मैम एक बार दिखाइए, ये जो युवा शक्ति दल है वहाँ से, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहेंगी आप जो आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी पुरानी जगह पर हमें वहीं चाहिए, दूसरी और जगह नहीं चाहिए। जहाँ थे वहीं चाहिए, हमारे बाबा साहब वहीं होने चाहिए। बस प्रतिमा जहाँ थी वहाँ पे लगता है, बिल्कुल वहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे जो आए थे लोग, उनकी एक ही मांग थी कि जो प्रतिमा जहाँ थी उनको, और देखिए बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, किस तरह से कितना शांतिपूर्ण तरीके से आकर यहाँ पे अपने आप में यहाँ डिटेन हो रहे हैं। सोचिए बाबा साहब जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये सच में कहा जाए तो ये संविधान को लोग मानने वाले हैं, करुणामय हैं लोग, समानता में विश्वास रखते हैं। देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कितना शांतिपूर्ण तरीके से लोग एक एक करके आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस को अपना डिटेन करने के लिए दे रहे हैं कि आप हमें डिटेन कर लो। लेकिन इनकी मांग क्या थी आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर में आप दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस, आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये गली बनाया गया है, जो उसके पीछे जंतर मंतर है और वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोचिए बाबा साहब के मानने वाले लोग कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी तस्वीर में किस तरह से स्वागत के कक्ष में जो पुलिसकर्मी लोग हैं वो लगे हुए हैं, और लोग आकर अपना यहाँ पे, ये बस देखिए आप, बस भर भर के जा रही है, लोग डिटेन हो रहे हैं। तो सोचिए ये देश के करुणामय लोग हैं, जो देश को संविधान में विश्वास करते हैं, उनकी ये तस्वीर मैं सीधा आपको जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ कि कोई भी हिंसा नहीं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, जो फूले की, साहू जी की जो प्रतिमा थी, जो गांधी जी की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को संसद भवन के सामने से जहाँ से आप हटाए थे वहाँ पर आप लाकर पुनः स्थापित कर दीजिए। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से, किस तरह से लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपने आप में डिटेन
हो रहे हैं। और ये देखिए दिल्ली पुलिस के पांचवा बस है जो यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे ये पांचवा बस लग चुका है। और ये देखिए ये तस्वीरें, आज तक प्रोटेस्ट में आप ऐसी तस्वीरें नहीं देखे होंगे कि लोग लाइन लगा के, सोचिए जहाँ पे भोज में जिस तरह से लाइन लगता है उस तरह से लोग लाइन लगाकर अपनी डिटेन की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर रहे हैं। सोचिए ये स्थिति बनी हुई है देश में। और दूसरे तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उनकी ये तानाशाही है, जो पुलिस है वो हमारे साथ, उनका जो बर्ताव है वो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। आपको मैं ये सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए एक एक करके लोग किस तरह से अपनी वो डिटेन की प्रक्रिया दे रहे हैं। सोचिए ये शांतिपूर्ण तरीके से, और ये संवैधानिक लोग हैं और बाबा साहब के वंशज है। सोचिए जो बाबा साहब के वंशज होगा वो इसी तरह से अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना वो प्रोटेस्ट करेगा। और आप, मैं फिर एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो संख्या है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे में। और यहाँ पे लोगों की देखिए डिटेन भी किया गया जा चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है बस में, पूरी कोई आवाज़ नहीं आ रही है किस तरह से। बस उनकी एक ही मांग है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ प्रतिमा थी वहाँ पे लगा दी जाए। सोचिए ये स्थिति बनी हुई है, देखिए ये लोग हैं जो जा रहे हैं, जो बसों में जा रहे हैं, देखिए ये किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये स्थिति बनी हुई, देखिए ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधी तस्वीर है दिल्ली के जंतर मंतर की, आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं कि ये तस्वीरें, और कितने शांतिपूर्ण तरीके से लोग जाकर यहाँ पर डिटेन हो रहे हैं। तो ये बाबा साहब को कहीं ना कहीं मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को अगर नहीं मानते तो इस तरह से इनकी शांतिपूर्ण तरीके से डिटेन नहीं होते ये भी लोग। देखिए ये बाबा साहब का ये संविधान लेकर डिटेन होने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ, और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, और अब डिटेन की प्रक्रिया में क्या कहेंगे सर भाई? ये कहेंगे जो हो रहा है गलत हो रहा है भैया, प्रदर्शन किया जाने के लिए रास्ता को खोलना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आए हम शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बस मांग, बस क्या है मांग हमारी? ये है जो प्रतिमा वहाँ पे बाबा साहब की हटी है पार्लियामेंट में, वहाँ पर दोबारा लगानी चाहिए। आप लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं? जी संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो देखिए पार्लियामेंट भी जो संविधान को मानते हैं पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं, लेकिन इनकी मानसा क्या है, इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति क्यों उठाई हमें नहीं पता। हमारी मांग है कि वहीं पर बाबा साहब की मूर्ति लगे। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बाबा साहब के मानने वाले लोग आराम से, ऐसा लग रहा है कि कहीं भोज में जा रहे हैं उस तरह से लोग जाकर अपनी डिटेन की जो हालात है वो क्या कहेंगे सर आप जी, क्या कहेंगे, कहाँ आप लोग जा रहे हैं? चलो अभी हम दिल्ली से ही आए हैं, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं अपनी बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगवाने के लिए, और जो दोषी लोग हैं जिन लोगों ने ये हटाई है ना उन लोगों को फांसी के लिए वो करेंगे, मांग करेंगे जी कि ये जितना असंवैधानिक काम किया उन लोगों ने। भारत देश है, यहाँ पे ऐसे आप शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई मांग आपकी नहीं सुनेगा। अभी शांतिपूर्ण तरीके करें, बाबा साहब ने हमें संविधान के दायरे में सिखाया है प्रोटेस्ट करना, लेकिन जब इससे काम चलेगा तो फिर और भी कुछ देखे रास्ते हैं, वो भी रास्ते देखे अपनाएंगे हम। भीमा कोरे गाँव को भी अपना लेंगे, वो भी जरूर अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे, वो भी हमारे पूर्वजों ने किया था अपनी शान के लिए, अपनी मान के लिए, वो भी हम बाबा साहब के सम्मान के लिए वो भी कर सकते हैं। तो वो तो आप लोगों के खून में है कि आप लोग शांति तरीके से, करुणा तरीके से, समानता की बात करते हैं, लेकिन जब आप लोग जिद पे आ जाते हैं तो भीमा कोरे गाँव भी दूर करेंगे, वो भी करेंगे। ये अशोक, सम्राट अशोक इसी समय पैदा हुआ था, शांति का संदेश भी दिया है और तलवार से राज भी किया है, हम उसी समाज के हैं। तो देखिए ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग सम्राट अशोक जो इसी देश में पैदा हुए हैं, और उसी से उन्होंने शांति का भी संदेश दिया है और तलवार से इस देश को सही तरीके से रहना भी सिखाया है। तो ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली का जंतर मंतर है, और यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं संविधान में अपना विश्वास रखता हूँ, संविधान को मानता हूँ, और फिर भीमा कोरे गाँव को भी याद इन लोगों ने दिलाया किस तरह से। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, शुक्रिया।